सुबह के 8:10 पे सुबह हम न्यू स्टार्ट करें अपना ब्लॉग, क्योंकि आज हम फिर जा रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा में, क्योंकि ऑफिस से जा रही है बस। और हम अपने इस पास की बदौलत, जैसे जेब से निकाले पास, इस पास की बदौलत दोबारा उनसे मिलने आएंगे। तो गाइस, मैं अभी बहुत लेट हो चुका हूँ पिछली बार भी लेट हो गया, सीधा भर के हम वहीं चले गए थे जहाँ यात्रा आएगी। तो इस बार भी देखते हैं सीधा बस में मिलेंगे या वहाँ पे मिलेंगे आपसे, वरना तो बस में ही मिलेंगे आपसे, क्योंकि थोड़ा वो हो जाएगा ना, यहाँ से जाओ फिर वहाँ से थक के फिर बस में। तो सीधा बस में मिलेंगे या ऑफिस में, मैं थोड़ी सी वीडियो क्लिप चालू कर दूँ कितने बंदे जा रहे हैं। तो ठीक है, इस बस पर मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा बातें यहाँ पर नहीं, हम वहीं करेंगे राहुल गांधी की यात्रा में। तो चलते सीधा बस में, ठीक है गाइस। मेरी आवाज आएगी नहीं तो मैं इधर दिखा रहा हूँ माइक में बोलते हुए, देख सकते हैं हम यहाँ पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी बस आते ही होंगे। तो मैं थोड़ा आगे चल के आगे का दिखाता हूँ, जैसे इतनी ज्यादा क्राउड है यहाँ पे, पिछली बार से भी ज्यादा क्राउड है यहाँ पे, देख सकते हैं इतना ज्यादा क्राउड है यहाँ पे। चल ले जल्दी से आगे, राहुल गांधी जी आ गए, आ चुके देख सकते हैं। No!
अभी वो राहुल गांधी जी जा चुके, बस उनकी एक झलक दिखी। और यहाँ पे हमारे साथ आसिफ खान के साथ हम हैं अभी, और यहाँ पे भंडारा बढ़ रहा है इतना भाई साहब। यहाँ पे मिठाई विठाई बढ़ रही है, देख सकते हैं ये डब्बे इन के हाथ में, और मतलब बिल्कुल खाली हो चुका है यहाँ पे, सब भीड़ सब आगे जा चुकी है भाई साहब। इतना ज़्यादा क्राउड के मैं बता नहीं सकता। और हमारा आसिफ खान जी हमारे साथ में है, तो हम इनके साथ ही घर चले आएंगे। और हम इस टाइम सिलमपुर में जो जहाँ पे हम हमारे दोस्त रहते हैं ज़्यादा, तो देख सकते हैं यहाँ पे अब कितना ज़्यादा मिलिट्री विलिट्री भी, और यहाँ पे ऊपर बच्चे भी आए थे उनके स्वागत के लिए। और गाइज उनकी एक ही झलक बस इतनी झलक दिख पाई हमें, खुद पता नहीं कैमरे में रिकॉर्ड हुई होगी नहीं हुई होगी, तो गाइज उसके लिए देख के भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, एक तरह से न्यूज़ की तरह हो गया बस दिखे नहीं। तो गाइज अभी देखते हैं कि क्या करना है, नहीं करना है, फिर जल्दी से अभी तो आगे जाएंगे, तो आगे तो जाएंगे नहीं क्योंकि आसिफ खान जी मना कर रहे हैं कि आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि सिलमपुर इलाका यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है क्या बताएं आपको। तो गाइज हम अभी तो यहीं हैं, थोड़ी देर उसके बाद चल रहे हैं सीधा जहाँ पे भी जाएंगे, तो जैसे बस बस में या गाड़ी किसी में बैठेंगे तो वहाँ पे अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे सारे बच्चे उनके स्वागत के लिए आए थे, और देख सकते हैं यहाँ पे मिलिट्री लेडीज़, और देख सकते हैं बिल्कुल खाली हो गया ये पूरा, हमें तो अंदर ढकेल दिया था जैसे राहुल गांधी आए, फिर भी हम थोड़ा लड़े झगड़ के आ गए। देख सकते हैं पुलिस की जिप्सियाँ भी जा रही हैं यहाँ से, और देख लीजिए कितना बड़ा पोस्टर लगा है यहाँ पे, देख सकते हैं हर जगह बैनर लगे हैं, बैरियर लगे हैं, और मिलिट्री सब आ रही हैं, बहुत बहुत कड़ी फोर्स होती है उनके आगे। भाई वो एमपी है तो भाई कुछ तो होगा ना। तो गाइज अभी जल्दी से चलते हैं हम, अरे वहाँ देखते अभी कहाँ जाएंगे, तो आगे चल के अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइज, देख सकते हैं हम यहाँ रोड पे आए हुए हैं, और मतलब आसिफ खान जी हमारे साथ चल रहा, हमारी और भी पब्लिक आ चुकी थी यहाँ पे, देख सकते हैं कितनी पब्लिक आई हुई हमारी। और हम अभी आगे से क्लिप दिखाएंगे आपको पीछे की, कि यहाँ पे सब नारे लगा रहे थे, अब तो नहीं लगा रहे। तो देख सकते हैं ये हमारे आसिफ खान जी, और जा रहे हैं अब हम पैदल ही आ रहे हैं, हम भी खुद पैदल यात्रा कर रहे हैं, सुबह से पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो जल्दी सब चल रहे हैं, मतलब बस पकड़ेंगे ऑटो पकड़ेंगे भी कुछ पता नहीं। तो चलिए देख सकते हैं अब रोड सब खुल चुका है, पहले यहाँ पे सब बंद था, उधर की साइड भी बंद था, अब देख सकते हैं रोड पे इतना जाम लग रहा है, मतलब अभी रेड लाइट होती जाम लग जाएगा। तो अभी जल्दी चल रहे आगे, देख सकते हैं आसिफ खान जी चल रहे हमारे साथ और सब बातें कर रहे हैं। देख सकते हैं अब हम जा रहे हैं सीधा, पता नहीं कब ऑटो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो गाइस अब चल रहे हम सीधा आगे, आगे जब ऑटो में किस चीज़ में बैठेंगे तब मिलेंगे। ठीक है गाइस, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पैदल चल रही है, थकान भी हो रही है, फ़ोन भी पकड़ा जा रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, कोहरा इतना ज़्यादा हो रहा है, सूरज का तो नामो निशान नहीं है भाई। चल रहे जल्दी से आगे, आगे मिलते हैं। ठीक है गाइस, हम ऑफिस पे आ चुके हैं, मतलब बहुत लेट हमें ऑटो मिला और बहुत लेट हम यहाँ पे आए हैं, क्या बताएं, स्कूल भी छूट गया हमारा, जैसा कि आसिफ खान जी भी आ चुके हैं, और ये पता नहीं कौन है आदमी, एहतशाम भाई है इनका नाम, और यहाँ पे सब आ चुके हैं, इन्हीं के साथ हम रहते हैं ज़्यादातर, दोस्त है साथ, मोहम्मद साथ, दोस्त अंकल की उम्र के दोस्त बना रहे लोगों को, बहुत ही अच्छा लड़का, बहुत प्यारा है और बहुत काम का है। तो गाइस देख सकते हैं आसिफ खान जी का ऑफिस है ये, उधर घर है इनका, हवेली की तरह एकदम पूरा। तो गाइस हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था आने में, इस वजह से बहुत लेट भी हो गया, तो अब जा रहे हैं घर। रास्ते की क्लिप आपने देखी होगी, मैं बोलना भूल गया था कि हम ऑटो में आए, ये मतलब और भी बातें, तो अब आप रास्ते की क्लिप देख के इंजॉय कीजिएगा। और अभी जा रहे हैं हम जल्दी से घर, क्योंकि अब देखते हैं स्कूल का तो टाइम, जैसे टाइम हो चुका है 1:23, अभी मतलब धूप में कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो देखते भी क्या होगा नहीं होगा, तो रुक के फिर अपनी वीडियो चालू करेंगे। ठीक है गाइज, या तो घर पर चालू कर लेंगे। A few moments later. तो गाइज अभी हम जा रहे हैं घर पे, हमने वहाँ पे खा लिया था खाना, मतलब खाना खाने बन गया था, तो हम रुक गए थे खाना खाने, तो अभी जल्दी से चल रहे हैं घर, क्योंकि अपनी वीडियो अपलोड करनी है, मेरे को अभी तक अपलोड नहीं करी है। टाइम हो चुका है, देख सकते हैं टाइम हो चुका है इसमें अभी, देख 1:58, 2 बजने वाले, जल्दी से चल रहे हैं घर पे खाना देके, तो मतलब खाना
सॉरी, खाने के बार बार वो यार खाना इतना तीखा था, नाक से पानी निकल रहा है। तो जल्दी से चल रहे घर पे, मतलब घर से उधर गली में ना मेरे एक दोस्त का वाईफाई है, तो मैं उससे ही वीडियो अपलोड करता हूँ। अभी थोड़ा रुक के मैं अपने घर पे भी वाईफाई लगवा लूँगा। तो अभी जल्दी से चल रहे हैं, पहले तो चल रहे हैं घर पे, घर पे से रुक के फिर अपनी वीडियो अपलोड कर देंगे। सीधा वीडियो अपलोड करने आ रहा, पहले वीडियो है उसके बाद मम्मी को बोल दो वीडियो अपलोड करने के था। तो चलिए जल्दी से वीडियो अपलोड करके, देख सकते मैं रास्ते में ही बस चल रहा था, अब आया हूँ मैं। और गाइस चल रहा जल्दी से वीडियो अपलोड करने, यहाँ पे गाइस मैं आ चुका हूँ घर पे, बस अभी अभी आया हूँ। और अभी आके बस कंबल में बैठा हूँ, भागते भागते हूँ, थकान हो रही है, अब नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, सुबह के 8 बजे से उठा टाइम हो रहा है, 3:49, 4 बजने वाले। भाई अब आया हूँ बताओ ऑफिस पे से, खाना खा के आ गया था मैं, अब चाय पीऊँगा घर पे। तो मम्मी भी अभी तक सो रही हैं, हमारे घर में सब सो रहे, बस एक मेरा भाई स्कूल गया हुआ है। तो अब मैं भी क्या करूँगा, थोड़ी देर सोऊँगा। तो अभी पहले चल रहे हैं, नहीं तो यहीं बैठे बैठे आज एंड करेंगे अपनी वीडियो। तो गाइस वैसे झलक दिखी, बस एक इतनी ही झलक दिखी राहुल गांधी की, क्या कर सकते हैं। राहुल गांधी मेरे अम्मी कह रही है राहुल गांधी सर बोलो, चलो भाई रिस्पेक्ट राहुल गांधी जी की। भाई इतनी सी झलक दिखी मेरे को खुद जगह, पुलिस फोर्स पिछली बार जितनी थी उससे डबल टिबल थी, क्योंकि इस बार पब्लिक भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सिलमपुर इलाका है, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक होती है वहाँ पे इसी वजह से। तो गाइज आप सब जानते हैं वो कैसा इलाका है, भीड़ भाड़ इतनी होती है वहाँ पे। जैसे मैंने आपको मार्केट का क्राउड जब इतना होता है, तो भाई साहब एक MP आया तो कितना क्राउड होगा सोचो। तो इसी वजह से तो गाइज देख सकते हैं हमने आज सुबह सुबह 8 बजे उठ के गए और आ गए वहाँ से, बहुत लेट आए वहाँ पे, हमें ऑटो नहीं मिल रहा था, चले तो गए यहाँ से, पर हमें 5 किलोमीटर चलना पड़ा। इस वजह से हम है ना बहुत ज़्यादा मतलब लेट भी हो गए थे, इसी वजह से राहुल गांधी बस आए थे, जो जैसे हम पहुँचे वैसे ही आए थे वो, तो यही हुआ फिर। तो गाइस फिर का चलो छोड़ो, देख तो लिया काफ़ी, मतलब लाइफ में दूसरी बार देखा, पहली बार पहला व्लॉग बनाया था उसमें देखा, दूसरी बार अब देखा तो अच्छा लगा। और गाइस फिर आते में ऑटो मिला नहीं, हम 1.5 से 2 घंटा वहाँ पे ऑटो के लिए खड़े हुए, ऑटो मिला नहीं तो अब क्या कर सकते हैं, नहीं बस के लिए खड़े हुए, बस मिली नहीं तो फिर लास्ट में ऑटो करना पड़ा हमें। आप उस क्लिप को देख के इंजॉय कीजिएगा रास्ते की, क्योंकि मैं बीच में बोल नहीं पाया था, बस चलते आ रहे थे, बस घुस घुस के सब लोग गए थे ऑटो में, क्या कर सकते हैं। तो गाइज आज का व्लॉग हम यही एंड कर रहे हैं, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल कर लीजिए, चैनल पे न्यू है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए और इन्जॉय कीजिए, कमेंट करिए, लाइक कीजिए, और जो पुराने हैं उन्हें तो पता ही क्या करना है, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, स्टोरियाँ लगाइए या स्टेटस लगाइए, और जाइए मेरे इंस्टाग्राम IDshadvlog नाम से जाइए, उसे फॉलो कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय टाटा।